नमस्कार के हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इलाहाबाद अल्केमिस्ट में हम लोग मौजूद हैं और भरत सिंह बेनीवाल का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। आज पंजाब के पूर्व सीएम रहे चन्नी साहब भी आ रहे हैं, मलेका में इनका टूर है और बड़ी रैली भी है। और इस बीच नोहर के जो विधायक हैं अमित जी चौहान, अन्य विधानसभाओं तो वो लोग जाते हैं, लेकिन आज मुझे अचानक मिले, यहाँ सड़क पे घूम रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे। कांग्रेस के वर्तमान में विधायक है, दूसरी बार नोर से चुने गए हैं। विधायक महोदय, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा है, हमारे तो बिल्कुल सीमा लगती है। भरत सिंह बेनीवाल इस बार क्या कमबैक करेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मेरा तो ये आखिरी चुनाव है। देखिए, अपना तो नोहर और इलाहाबाद का रोटी और बेटी का नाता है। जी जी, एक दूसरे नेता हम चुनाव में जाते हैं, और जिस तरह से हरियाणा में इलाहाबाद हल्के की बात करें, माहौल है, जनता के प्रत्येक के जवान पे एक ही बात है कि इस बार बदलाव के लिए आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप लोग हल्के में गए हैं, मैंने बहुत सारी तस्वीरें आपको गोविंद सिंह डोटासरा के साथ देखी है, बड़े बड़े नेताओं के साथ देखी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते हैं, भाईचारे वाले रिश्ते हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिल रहा है कांग्रेस को? उम्मीद से ज़्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में भारी जन समर्थन मिला है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में चाहे हरियाणा सरकार की बात हो, चाहे वो दिल्ली में बैठी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ही सरकारों ने, राज्य और केंद्र ने, देश में तानाशाह कर रखी है। 10 वर्ष के कार्यकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। आज चाहे हम किसानों की बात करें, किसान आंदोलन हम सब ने देखा, 700 किसानों ने साधन देने का काम किया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने अग्निवीर योजना जैसे लेकर आए, देश का नाम रोशन करने में बहन बेटियों को भी दिल्ली में संघर्ष, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा, छोटे व्यापारियों पर, मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर इंस्पेक्टर राज बढ़ाकर जो GST नोटबंदी का किया उनको कमर तोड़ने का काम किया है। प्रत्येक वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुका है, दुखी है, और बदलाव के लिए एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हम दोनों ही राजस्थान से हैं, क्यों ना बात कर लेते किसान आंदोलन की। क्या कुछ लगता है, आप इलाके में गए हैं, फैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, किसान आंदोलन का प्रभाव है हरियाणा में? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सरसा से पीछे लोकसभा से का चुनाव हम सब ने देखा, बहन शैलजा जी जब खड़ी हुई थी पूरे लोकसभा क्षेत्र भारी मतों के साथ चुनाव जीत कर गई थी। और इस बार सरसा जिले में तो जब ये गठबंधन जो क्षेत्रीय पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है, इससे ये एक्सपोज हो गए, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी खिलाफ करने वाले आज उसी के मुखटा पहन, अलग अलग पहन कर जो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जो बी टीम भाजपा की बनकर काम कर रहे हैं, उससे जनता ने उनके दोहरे चरित्र को पहचान लिया है। अब उनके बहकावे में नहीं आएगी, झूठी बातों में नहीं आएगी, झूठी घोषणाओं में नहीं आएगी, और भाईचारा को कायम करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ के मान और सम्मान के लिए आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर वोट डालकर भारी मतों से प्रत्याशियों को विजय बनाएंगे। मोदी साहब भी आ रहे हैं सिरसा में रैली करने, आपको सूचना भी होगी, क्या कांग्रेस की भी बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के साथ बैठक है आप लोगों की, जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है? देखिए, अभी चुनाव प्रचार में दीपेंद्र हुड्डा जी आए, भूपेंद्र हुड्डा जी, बहन जी शैलजा जी प्रचार प्रसार कर रही है। अब हमारे राजस्थान के प्रदेश गोविंद डोटासरा जी, चाहे वो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अपने राजा वडिंग जी आ रहे हैं, चन्नी जी आ रहे हैं, लगातार जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बड़े अन्य नेताओं के भी दौरे होंगे। और मोदी जी का जो प्रभाव 2014 में था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में उनकी भाषा देखी थी, शैली देखी थी, एक प्रदेश के प्रधानमंत्री के लायक वो बात नहीं थी कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, आपके ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, इस तरह की भाषा का माल देश का प्रधानमंत्री करे, तो उससे जनता का विश्वास खत्म हो गया। और जो उन्होंने झूठी वादे घोषणाएं 2014 में की, 2019 में की, 10 साल का कार्यकाल गुजरने के बाद ही ना तो 15 लाख रुपये खाते में, ना वो काला धन लेकर आए, ना युवाओं को रोजगार मिला, किसी भी, ना वो किसानों के फसल के भाव दुगने कर पाए, किसी भी तरह का विकास का काम इस देश में नहीं हुआ, ना ही हरियाणा में हुआ। इसलिए हरियाणा की जनता परेशान होकर, तंग होकर, दुखी होकर, एक ही विकल्प उनके पास है कि पुराना कांग्रेस का शासनकाल फिर से हम लेकर आए, जिससे कि आमदन खुशहाल हो। आप लोग कितनी विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, कितनी विधानसभाओं में जाकर के वोटों का प्रचार प्रसार कर चुके हैं, कुछ बताएंगे दर्शकों? मैं नलवा विधानसभा हो, आदमपुर विधानसभा में, काड़ावाड़ी विधानसभा में, डब्बाड़ी विधानसभा में, फतेहाबाद विधानसभा में, आज इलाहाबाद विधानसभा में, सरसा विधानसभा में, लगभग अपने जो विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक जहाँ जहाँ भी विधानसभा है उन सब में मैं जा रहा हूँ लगातार, क्योंकि अपने सबकी यहाँ की रिश्तेदारियाँ हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं, एक दूसरे मिलने जुलने वाले भी हैं, तो सारा जहाँ जहाँ अपना प्रभाव है वहाँ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूँ लगातार 3 तारीख तक, लगातार इन विधानसभा क्षेत्रों में रहकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने का काम करूँगा। क्या प्रमुख समस्याएँ लोगों की है, आप लोग सभाओं को संबोधित करने जाते हैं, किन समस्याओं को लेकर के, इस बात को लेकर के दुखी है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए?
यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी नेता चुनाव के दौरान तो हर गली हर दुकान पे नज़र आता है, लेकिन चुनाव जाने के बाद गरीब व्यक्ति की सुनने वाला कोई नहीं है, छोटे व्यापारी की सुनने वाला कोई नहीं है, किसान की सुनने वाला नहीं है, उनके दुख दर्द से उन्हें मतलब नहीं। वो तो सत्ता हथियाने के लिए झूठ बोलकर झूठी घोषणाएँ कर अन्य बातें भ्रांतियाँ फैलाकर सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, पद पर अब आसीन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी विकास का काम नहीं होता। चाहे वो नहरों में पानी की बात करें, चाहे गाँव में शहरों में सड़कों की बात करें, चाहे गाँव में सड़कों की बात करें, चाहे वो अन्य विकास कार्य, तमाम विकास कार्य ठप है। उनका एक ही मकसद है हिंदू धर्म जाति मुस्लिम जाति के नाम से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाना, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना। और आज सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर चिट्टे का नशे का चल रहा है जी। आज हम देख रहे हैं पहले पंजाब से हरियाणा और हरियाणा राजस्थान में भी प्रवेश कर रहे हैं, 10 सालों में बड़ी कोई कार्रवाई हरियाणा में नहीं, जिससे कि चिट्टे पे नशे पे रोक लगाई जाए। आज युवा पीढ़ी पूरा पूरा परिवार इस नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है, सब पूरी जनता के अंदर ये आक्रोश है। बीजेपी की क्या पोजीशन मानते हैं हरियाणा में, आपको लगता है इतने लोगों के बीच में आप लोग गए? बीजेपी तो 15 से 15 भी सीट नहीं छू पाएगी, 15 से फेल होगी, तभी तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी को बी टीम बनाकर, सबका अभियान है तमाम क्षेत्रीय दलों का, भारतीय जनता पार्टी का, कि कांग्रेस की सरकार को हमें रोकना है, कांग्रेस पार्टी को रोकना है। लेकिन इस बार हरियाणा क्षेत्र की जनता ने बंद बना लिया कि झूठी वादों में नहीं आएंगे, कोई किसी का भी मुखौटा पहन कर आ जाए उनके झांसे में आने वाले नहीं है। सबको एक ही नज़र आ रहा है कि आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को वोट देंगे और 8 तारीख को 70 से ज़्यादा सीटें लाकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरी आश्वस्त है 100%, मैं नहीं, ये जनता आश्वस्त कर रही है, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं सबका एक ही कहना है कि इस बार बदलाव के लिए कांग्रेस की सरकार हम पुनः लेकर आएंगे। चलिए अमित चाचान नौर के विधायक के हरियाणा की टीम लगातार हर एक नेता से मिलकर के रूबरू हो रही है, हर एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्या हरियाणा में बदलाव की स्थिति है, क्या किसान आंदोलन एक अपनी अहम भूमिका अदा करेगा, क्या किसान हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले लगातार 10 साल एक्टिव रहने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक सपना था मुख्यमंत्री बनने का, क्या वो साकार होगा, ये तो भविष्य के गर्म है। लेकिन फिलहाल के हरियाणा की टीम के साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया साझा करें, अगले नेता से फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।